हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एंडर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, तो आम कंप्यूटर एमसीक्यू से आम कंटिन्यू करते, तो आम पूर्व क्लास पढ़ी 60 नंबर पर्यंत आम क्वेश्चन आंसर करते। तो आज भिडियो आम 100 नंबर क्वेश्चन टू आरंभ करवा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, प्रथम क्वेश्चन टी कौन 100 नंबर क्वेश्चन टी कौन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फास्ट मल्टी पेटाफ्लॉप बा पीएफ सुपर कंप्यूटर। ओके, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हूँ प्रत्युष। ओके, देखो राइट आंसर हूँ प्रत्युष। तो यहाँ निहतिया मन रखी क्वेश्चन टी। देन फ्रेंड देखो कौन दे आनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। ओके, तो देखो शिखुच आनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कौन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस ना इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूअस ना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ना आम फिजिकल स्ट्रेंथ। तो देखो आम जो पढ़ी थे तो आम जो पढ़ी आम ये। ओके, तो ये जो आनालॉग कंप्यूटर लिखे तो आम पढ़ी ये कंटिन्यूअस आम पढ़ी तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर कौन हम ना कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। देखो दिस कंप्यूटर कैरी आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ओके, तर एग्जांपल कौन कौन पढ़ी ना स्पीडोमीटर्स रहा सिस्मोग्राफ रहा देन रहा जो आनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। इट यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यूटिलिटीज मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ गोटे कंटिन्यूअस हिसाब से यूज करे मेकानिकल बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर कौन हम ना कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक अच्छे, आम जी ए 63 नंबर क्वेश्चन देखो 63 नंबर क्वेश्चन कौन रही सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो जो रहा सिस्मोग्राफ तो तार एग्जांपल कौन। ओके, ये जो सिस्मोग्राफ रो एग्जांपल कौन एटा गोटे आनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल ना डिजिटल कंप्यूटर एग्जांपल ना हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल ना ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स सर राइट आंसर टी जो आम ये पढ़ी स्पीडोमीटर एवं जो सिस्मोग्राफ रो एग्जांपल कौन सॉरी आनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल हो स्पीडोमीटर एवं सिस्मोग्राफ। ओके, तो देखो तो राइट आंसर टी कौन रही आम जानसे कि कौन हो ना आनालॉग कंप्यूटर। ठीक अच्छे, तो राइट आंसर कौन हो ना फ्रेंड्स आनालॉग कंप्यूटर। तो चलते आम जाए कौन नंबर क्वेश्चन कि 64 नंबर क्वेश्चन देखो कौन रही दिज कंप्यूटर वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। ओके, सी कह कंप्यूटर की क्यों कंप्यूटर टी काम करे केमती ना कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। ओके, बाइनरी डिजिट को कैलकुलेशन करी बाइनरी डिजिट माने 0 और 1 को के 0 और 1 को कैलकुलेशन करी तो क्यों कंप्यूटर तार काम करे हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर ना डिजिटल कंप्यूटर ना जनरल पर्पसेस कंप्यूटर। तो देखो आम ये पढ़ी थे कि जो एनालॉग रेट रहा एवं डिजिटल पढ़ी थे जोटा कि यूज करे बाइनरी डिजिट। ओके, तो बाइनरी डिजिट द्वारा से सब जिन कैलकुलेशन करे। तो फ्रेंड्स आम 64 नंबर आंसर कौन हम आंसर रही है 2 जो रही है डिजिटल। ओके, तो देखो ये मैं पढ़ी थी। ओके, देखो ये रहा दिस डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। ओके, ये जो डिजिटल कंप्यूटर कौन करे ना केमती वर्क करे ना कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। तो ओके, तो देखो फ्रेंड्स ये सब बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। जो मैंने भी थ्योरी रो क्लास करना बा थ्योरी रो पीडीएफ पाइना कि देखो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ देन आगे थ्योरी सारत देन आप एमसीक्यूज करेंगे। ठीक अच्छे, तो चलते फ्रेंड्स आम 65 नंबर को क्वेश्चन जाए। देखो आम जहाँ भी सब पूर्व क्वेश्चन करके तो आम कौन से भी गोटे भी क्वेश्चन छाड़ने तो ये सब बहुत बहुत इंपोर्टेंट रही है जोटा कि आम ओडिशा पुलिस जो रही कम्युनिकेशन रो बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे, तो फ्रेंड्स एवं चलत आम जाए आम 65 नंबर क्वेश्चन चूज द ऑड एंड आउट। ओके, देखो आप कौटा ऑड। ओके, माइक्रो कंप्यूटर आम पढ़े मिनि कंप्यूटर पढ़े सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ना नोटबुक कंप्यूटर तो आप कौटा अलग तो मुझे आप डिजिटल कंप्यूटर अलग। ओके, कारण ये जिते भी सब रही है तीन टाक जिन सैज अनुसार कंप्यूटर को डिवाइड कर देखो मुझे थ्योरी क्लास अच्छा। ओके, तो देखो बेस्ड ऑन साइज साइज कंप्यूटर साइज अनुसार। ओके, कौ कंप्यूटर केज अनुसार साइज मान आकार अनुसार आम कंप्यूटर को कौन चार भाग व्यक्ति रही गोटे माइक्रो कंप्यूटर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनि कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। ओके, तो आर दे हिंसा ये चार्टाक ओके माइक्रो कंप्यूटर मिनि कंप्यूटर आउ रहा सुपर कंप्यूटर अच्छी आ नोटबुक कंप्यूटर ये सब जाऊँच माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक अच्छे, तो डिजिटल कंप्यूटर किंतु कौन है कि ना बेस्ड ऑन वर्क। ओके, काम अनुसार डिजिटल एनालॉग एवं हाइब्रिड कंप्यूटर विभक्त कराई। तो फ्रेंड्स से अलग कौटा थी तो यहाँ थी ये डिजिटल कंप्यूटर हिंसा अलग कारण ये जिते भी सब कंप्यूटर आउ चारक
ओके, 1, 2, 3 और 5, ए 1, 2, 3 और 5 इसे जाऊँगी इसे बेस्ड ऑन साइज। ओके तो कंप्यूटर साइज अनुसार जो डिवाइड कराई तो ताकु नहीं कि हमारे जो चार विभक्त कराई ये तादरे सब जाऊँगी किंतु ये बेस्ड ऑन वर्क है आई लारे डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है तो फ्रेंड्स राइट आंसर कौन है ना डिजिटल कंप्यूटर। देन फ्रेंड्स चलो तुम्हें जी भावे 69 प्रश्न देखो 69 प्रश्न कौन दे ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइन प्रॉपर्टीज ऑफ। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर आम ये पढ़ी देखो एनालॉग कंप्यूटर अच्छी डिजिटल कंप्यूटर अच्छी और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कह एनालॉग आउ डिजिटल कंप्यूटर जो थे मिसिकी दीटा थी से हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है तो देखो आम ये पढ़ी देखो दूसरी ओके बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग पढ़ी डिजिटल आम पढ़ले देन हाइब्रिड कंप्यूटर कौन देखो दीज आर द कॉम्बिनेशन। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर कौन तार एग्जांपल कौन आम पढ़ी ओके मशीन यूज इन हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल यूज होगी जो मशीन ईसीजी एंड डायलिस। ओके डायलिस जो आम यूज होके तो डायलिस आज ईसीजी माने ये कंप्यूटर ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल। ठीक है तो फ्रेंड्स तो देखो हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइन प्रॉपर्टीज। ओके कार कंबाइन प्रॉपर्टी सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर भूल गला हम पढ़ते एनालॉग और डिजिटल मिसेले कौन हो जोटा एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दुटा कॉम्बिनेशन रे हमर कौन कौ कंप्यूटर तिरुची हाइब्रिड कंप्यूटर तिरुची। तो फ्रेंड्स एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट जिनस। ओके आम डिजिटल कंप्यूटर पढ़ते कौन एनालॉग कंप्यूटर कौन पढ़ते जो थे दुटा कंप्यूटर मिसेक जो कंप्यूटर तैयारी से हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है देन फ्रेंड्स आम ए 67 नंबर क्वेश्चन की जी देखो 67 नंबर क्वेश्चन कौन है व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल लाइक देखो आम ये पढ़ते हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायलिस जो पढ़ते तो देखो तो ये आम पढ़ते जो हॉस्पिटल ईसीजी एंड डायलिस तो ये देखो डायलिसिस तो ये जो तो ये सब कौरे जा तो फ्रेंड्स ये सब जाऊँच कौरे ना आम सब हाइब्रिड कंप्यूटर जाऊँ। ओके तो फ्रेंड्स ये सब कौ कंप्यूटर जाऊँच ना हाइब्रिड कंप्यूटर तो ये चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कौन है तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन कौन है जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज फॉर। ओके देखो जनरल कंप्यूटर जो देखो ये आम पढ़ी जो देखो साइज अनुसार कंप्यूटर तो चार भाग विभक्त कर पढ़ी देन कम अनुसार बेस ऑन वर्क अनुसार तीन भाग विभक्त कर मन रखे देखो चार ये रहा तीन आई रहा दुई। ओके बेस ऑन पर्पज। ओके कौ पर्पज यूज होने की दि भाग विभक्त कर जनरल पर्पजेस आ गोटे स्पेशल पर्पजेस तो आम पढ़ी तो देखो ये जो रहा जनरल पर्पजेस कौन रहा देखो जनरल पर्पजेस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर व्हिच आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन एग्जांपल टू मेक स्मॉल डाटाबेस। तो ये कौन कौन पाई यूज होता है ना स्मॉल डाटाबेस तैयारी कैलकुलेशन करने अकाउंटिंग करने ओके ये सब रहा तर एग्जांपल रहा जोटा रहा जनरल पर्पजेस कंप्यूटर। ओके आम जो यूज करे ओके आम आधे डाटा स्टोर करें कैलकुलेशन करें अकाउंटिंग करें आज बहुत सारा कार्य करें। ओके तो ये रहा जनरल पर्पज कंप्यूटर तो आमको ये कौन फ्रेंड्स पचारा ना जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज फर आम कौन कौन पढ़ते ना देखो क्रिएटिंग स्मॉल डाटाबेस। ओके जो डाटाबेस आउ परफॉर्म कैलकुलेशन कैलकुलेशन पढ़ते अकाउंटिंग पढ़ते ये तीन टा जिन पढ़ते। ओके तो डाटाबेस रहा कैलकुलेशन रहा अकाउंटिंग रहा तो राइट आंसर कौन जो ना ऑल ऑफ दिस अबव। ओके ऑल ऑफ द अबव रहा राइट आंसर जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन पे यूज होता है ना डाटाबेस कैलकुलेशन अकाउंटिंग। ओके देन फ्रेंड्स 69 नंबर क्वेश्चन जी देखो व्हिच इज नॉट देखो नॉट लिखे व्हिच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पज कंप्यूटर देखो आगे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन जाना देखो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स व्हिच आर यूज टू सॉल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके देखो से कहते स्पेशल पर्पज कंप्यूटर मैंने देखो जोटा कि गोटे सिंगल प्रोब्लेम केवल से कंप्यूटर या प्रोब्लेम को सल्व करने जमीती कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग जो एरोप्लेन जो लैंडिंग हो जो सॉफ्टवेयर तैयारी होती मल्टीमीडिया कंप्यूटर। ओके ये सब रहा तार एग्जांपल। ओके तो विभिन्न क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार आम कंप्यूटर यूज होता है। ओके आम जो कंप्यूटर यूज कर हस्पिटाल से कंप्यूटर यूज होनी तो सब विभिन्न फिल्ड पर विभिन्न विभिन्न कंप्यूटर ही रही तो सीटा रहा सब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर गला। ओके सी कहते हैं आ भर क्योंटा
ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟା। ଓକେ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ। ଆଉ ଆଦରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଲା ନା ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ହେଲା ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ ସେ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଏକ୍ସେଲ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସର, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ, ଓକେ, ତାର କାମ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଓକେ। ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ପୋଜେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ନା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମିଟେଟିଂ, ଓକେ, ବ୍ରେନ୍ ୱାର୍କିଂ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦେଲା ଏଇଟା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମିଟେଟିଂ ବ୍ରେନ୍ ୱାର୍କିଂ। ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହବ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଓକେ, ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇମିଟେଟିଂ ବ୍ରେନ୍ ୱାର୍କିଂ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆକୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ତ ଆମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଥିଓରି ଭଲସେ ଆର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଓକେ। ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରି ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଅଫିସରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ 4 ହବ 72 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଦାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମେସିନ୍ ଦାଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡୁ, ଓକେ। ସେ କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଦାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା, ମେସିନ୍, ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟାକି ଯୋଉ ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟା କି କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରିବ ବା କ'ଣ ଦେଖେଇବ, ଦ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୋବୋଟିକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସେସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବନାଯାଉଛି। ତ ତମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେମିତି ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ରୋବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟଡି ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଓକେ, ସେଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର, ଓକେ। ତ ନାନୋ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯିବ ନା ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁହାଯିବ ନା ସିମୁଲେସନ୍ କୁହାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଏଆଇ, ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଓକେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିହେଭ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ କରାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭଳିଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତାକୁ କରାଯାଉଛି, ଓକେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭଳିଆ ବିହେଭିୟର୍ କରିବ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭଳିଆ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ହେବ ତାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 74 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 74 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଜାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରୋବୋଟ୍ସ, ଓକେ। ତ ରୋବୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ସେଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ଏ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସବୁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ତାର ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ। ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟି କାହା ଉପରେ ରହିଛି ନା, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଓକେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି ସାରିବା, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଏତେ ବାସ୍ ଜାଣିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କ'ଣ ପରଫର୍ମ କରେ, କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ବାହାର ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେସନ ଜାଣିଲେ, ଓକେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବେଶୀ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ସିପିୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିବା, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ତ ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରି ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଚାପ୍ଟର ସବୁ କଭର କରିଦେଇଥିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ଯେତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।